आत्मनिर्भर भारत दूरदृष्टि परिप्रेक्षी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाणिज्यिक खणि 41 टी कोयला खणि निलाम करने प्रक्रिया शुभारंभ कर। ऐतिहासिक पदक्षेप इस्पात कोयला शक्ति तथा आनुषंगिक ऊर्जा क्षेत्र में सबुठ अधिक लाभवान ओडिशा हेबो बोली कहिछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। कोयला क्षेत्र में सुजोग सृष्टि करने आज निया प्रमुख पदक्षेप प्रधानमंत्री को श्री प्रधान धन्यवाद देते। मोदी सरकार को द्वारा निया गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ओडिशा भली कोयला समृद्ध पूर्व राज्यगुड़िक बेसरकारी पुंजी निवेश को प्रोत्साहित कर अत्याधुनिक ज्ञान कौशल माध्यम उत्पादन बढ़ाइब प्रतियोगिता सृष्टि कर स्थायी खणी पथ परिष्कार कर अधिक पुंजी निवेश माध्यम टेक्नोलोजी एवं सेवा जोगाइबा सह अधिकरु अधिक नियुक्ति सृष्टि करिपारे सहायक हेबो। वाणिज्यिक कोयला खणि क्षेत्र में सबुठारु बड़ संस्कार एवं एहा समस्त अंशीदार को सफलता देव। एही ऐतिहासिक पदक्षेप देश में कोयला उत्पादन को वृद्धि करि ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर करिब। पूर्व भारत विशेष भाव आदिवासी अंचल एवं आकांक्षी जिला को भारत विकासर प्रमुख स्तंभ रूपे मध्य रूपांतरित कर। पदक्षेप शक्ति इस्पात एवं खणि समेत अनेक क्षेत्र उपरे सुदूर प्रसारी प्रभाव पकाइब एवं ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरशील करने दिगरे बाट देखाइब। वाणिज्यिक खणि भारत में कोयलार उपलब्धि उन्नति करने सह पुंजी निवेश प्रति आकर्षित कर और कोयला ग्यासिफिकेशन को मध्य बड़ गति देव। यह व्यतीत देशर खाद्य सुरक्षा एवं ऊर्जा सुरक्षार उद्देश्य गुड़ी पूरण कर और आत्मनिर्भर भारत दिगरे मध्य अग्रसर कराइबी केन्द्रमंत्री श्री प्रधान कहते। से कहते शिल्प विकास को त्वरान्वित करने पदक्षेप देश में 280,000 ऊर्ध लोक प्रत्यक्ष और परोक्ष निजुक्ति जगाइब। निलाम होगा खणिगुड़िक वार्षिक राज्य सरकार को 20,000 कोटी राजस्व देवे। भारत सरकार 2030 सुधा 100 मिलियन टन कोयला ग्यासिफिकेशन लक्ष्य हासिल करने 20,000 कोटी टंका निवेश करिवार योजना रखिछंती श्री प्रधान कहते। ब्यूरो रिपोर्ट दरकष्ट।